तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी फ्री क्लासेस फॉर गेट मैकेनिकल ज्वाइन की है, अगर आपने फ्री कोर्स ले रखा है, तो ये मैसेज आपके लिए, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कल मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, मतलब आप ही एक क्लासमेट है वो, उन्होंने फ्री कोर्स लिया हुआ है हमारा, पिछले 1.5 महीने से यूज कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि प्रिपरेशन कैसी चल रही, स्टेटस कैसे चल रहे हैं। ही वॉज फुली सेटिस्फाइड, मतलब थर्मोडायनेमिक्स, स्टीम जनरेशन पावर और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पूरी हो चुकी है, इंटरनल कंबशन इंजन चल रहा है, और ये सारा उन्होंने किया 1.5 मंथ के अंदर, और प्रॉपर वे में सारा कुछ चल रहा था। मतलब प्रॉपर नोट्स बन रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रॉपर सॉल्व हो रहे थे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उसे भी अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, और रिवीजन भी जो सब्जेक्ट्स किए थे पहले, रिवीजन भी चल रहे। सो ही वॉज फुली सेटिस्फाइड, और मतलब अगर स्टूडेंट सेटिस्फाइड है तो टीचर अपने आप सेटिस्फाइड है। पर अजय, जब मैंने उनसे और इंटरेक्ट किया ना, मुझे उनके प्रिपरेशन में एक बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लॉ नज़र आया, ठीक है। और मुझे लगा कि ये मतलब जो पॉइंट है, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने की सख्त ज़रूरत है। देन जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब आप लोगों को इस पॉइंट का ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब मैंने उनसे कई बार पूछा कि आपका गोल क्या है, ठीक है, प्रिपेयर क्यों कर रहे हो, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या विज़न क्या है तुम्हारा, ठीक है। तो हर बार उनका एक ही, उस स्टूडेंट का एक ही रिस्पॉन्स था, और वो ये कि सर कुछ भी अच्छा मिल जाए, कुछ भी अच्छी सेटिंग हो जाए, ठीक है। मतलब एटलीस्ट पर्सन ये तो बोलते कि सर या तो IITs या PSUs, ये दोनों में चाहता हूँ, ठीक है। मतलब वो उन्होंने ये फेस भी यूज़ नहीं किया, मतलब ये क्लियरली सर कि कुछ भी, मतलब हार के मैंने पूछा, मतलब NITs वगैरह, बोलता हाँ सर अच्छी NIT अच्छी ट्रेड चल जाएगी, मतलब कहीं पर भी सेटिंग मिल जाए, मैं जहाँ भी मुझे चांस मिलेगा मैं ले लूँगा, ठीक है। मतलब आई वॉज अमेज कि यार इसका इतना बढ़िया इसका पेस चल रहा है, इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, सब कुछ समझ आ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और इस पर्सन का कोई क्लियर गोल ही नहीं है, ठीक है। मतलब जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा था तो मुझे एक केस याद आई, बात सर मेरे ख्याल से 2014 की है, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। तो मतलब मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा एक रेस्टोरेंट में डोसा खा रहा था, और मतलब उनकी टीवी के ऊपर मतलब मोदी जी की स्वीयरिंग इन सेरेमनी चल रही थी, मतलब उस टाइम पे शाम का टाइम था, ठीक है। तो मेरे मुंह से एकदम से निकल गया, मैंने यार कभी किसी चाय वाले ने सोचा होगा कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएगा भारत का, ठीक है। तो मेरे दोस्त ने एकदम से मेरी तरफ देखा और एकदम से एक ब्लड सा जवाब दे कि भाई सोचा था ना, वो तभी यहाँ पहुंचा है, ठीक है। गलती से कोई आदमी यहाँ नहीं पहुंचता, ठीक है। उसका विजन था, उसने सोचा था, उसने डिसाइड किया था, दैट्स व्हाई ही इज हियर। तो राजी, आपको इस चीज को समझना चाहिए। मतलब आप खुद अपने आप को एक बार इमेजिन करके देखो कि आप किसी कैफे में किसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए हो, एक वेटर आता है, सबसे पूछता है और लोगों से पूछता है कि सर आपको क्या चाहिए, हर पर्सन अपनी डिश बताता है, और खाना उस रेस्टोरेंट में कैफे में लिमिटेड है, जैसे IITs और PSUs की सीट्स लिमिटेड है, उसी तरह से खाना भी लिमिटेड है, सपोज कीजिए। अब वो वेटर आके पूछता है पहले पर्सन से आपको क्या चाहिए, पहला पर्सन अपनी डिश बताता है, दूसरा अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, तीसरा अपनी रिक्वायरमेंट बताता है। अब जब वेटर आपके पास आता है तो आप बोलते हैं यार कुछ भी अच्छा सा लिया, कुछ भी अच्छा सा लिया, ठीक है। अब ऐसे ही वेटर आगे चला जाता है, ठीक है, और उसके बाद जाके वो जिसने जो जो डिश मांगी है वो उसे दे देता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए आपके पल्ले क्या आएगा, ठीक है, आपको खाने में क्या मिलेगा, ठीक है। पहली चीज तो ये कि आपको वो मिलेगा जो बचा हुआ है, ठीक है, और दूसरी चीज वो तब मिलेगा अगर बच गया तो, खाना लिमिटेड, अगर खाना खत्म हो गया तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये चीज आपको समझ आ रही है। तो इस चीज को समझिएगा कि जो लाइफ है, ये लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, लाइफ आपको वो देती है एट द मैक्सिमम वो देती है जो आप डिसाइड करते हो, जो आप लाइफ से मांगते हो कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। मतलब एट द मैक्सिमम वो देगी जो आप मांगोगे, या फिर उससे कम देगी। सो यू मस्ट क्लियरली नो, आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मुझे क्या रैंक लेके आना है, क्लियरली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या मैं किस IIT, मतलब मेरा बिल्कुल क्लियर था दैट आई हैव टू डू डिजाइन इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT दिल्ली ओनली, ठीक है। मतलब मेरा तो इतना ज्यादा मतलब दिमाग में मैंने एनग्रेव कर रखा था इसको कि मैंने मतलब सिर्फ एक IIT दिल्ली का फॉर्म भरा था और एक और फॉर्म भरा था वैसे IIT रुड़की का भी, पर मैं वहां काउंसिलिंग वगैरह में गया ही नहीं, ठीक है। और मतलब वहां पे मतलब क्लियर था मुझे कि मुझे सिर्फ डिजाइन इंजीनियरिंग ही करनी है, ठीक है। इतने सारे IITs है, फॉर्म ही मतलब मैंने एक IIT दिल्ली का भरा था और एक रुड़की का भरा था, कौन से में गया ही नहीं, सिर्फ दिल्ली वाले में ही गया था मैं, ठीक है ना। तो मेरा बिल्कुल क्लियर था कि मुझे IIT दिल्ली ही जाना है और वहां से डिजाइन इंजीनियरिंग ही करनी है। और जितने भी लोग कामयाब होते हैं उन सबका बिल्कुल क्लियर होता है कि उन्हें लाइफ से क्या चाहिए। और मैं ये नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ ऐसा हो कि आपने गेट निकाल लिया, रिजल्ट आ गया, अब जो रैंक है वो ना तो इतना बेकार है कि आप रो, ठीक है, कि आप ये डिसाइड कर सको कि हाँ भाई अगले साल मैं एक अटेम्प्ट दोबारा लूंगा, ठीक है, ना तो इतना बेकार है और ना वो इतना अच्छा है
कि आपको कोई IIT या PSU कोई अच्छी जगह आपकी सेटिंग हो रही है, ठीक है ना। तो ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। आपका जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डिसाइड करो भाई कुछ भी जो तुम करना चाहते हो, ये ना सोचो कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भाई मैं बैठा हूँ, मनीष जिंदल बैठा है, XIS IIT मनीष जिंदल तुम्हारी सपोर्ट में खड़ा हुआ है। जो भी तुम डिसाइड करोगे हम तुम्हें वहां तक पहुंचा देंगे, ठीक है ना। ऑफकोर्स मेहनत तुमने करनी है, पूरे रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड करूंगा, पूरी गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूंगा, तुम्हारा रास्ता जो है आसान बना दूंगा पूरा, ठीक है। चलना तो खैर देखो तुम्हें ही है, ठीक है ना। मेहनत तुमने करनी है पर चीजें तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएंगी, रिलेटिवली कह रहा हूँ, ठीक है। मेहनत अगेन एफर्ट तो करना ही, ठीक है ना। तो राजी मतलब टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। कोर्स तुम्हारे पास है, ठीक है, उसको यूज करो प्रॉपर प्रॉपर वे में, चलो और क्लियर एम बिल्कुल क्लियर रखो, ठीक है। और अगर तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो सेल्फ तैयारी कर रहा है, जो मतलब यूट्यूब वगैरह पर मत्था मारता रहता है या फ्री कोर्सेज वगैरह ढूंढता रहता है, ठीक है, तो उसे बता देना भाई कि हमारे जो मोबाइल ऐप है एंड्रॉइड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, पूरा का पूरा कोर्स मैंने फ्री कर दिया है। जस्ट 99 रुपी पर मंथ पे करके आप सभी वीडियोस को, मेरे पूरे कोर्स को आप असेस कर सकते हो, ठीक है। और जो फ्री क्लासेस है वो हम गेट एग्जाम तक रन करेंगे, तो आप 1 महीने के लिए ज्वाइन करो, खत्म हो जाए दोबारा ज्वाइन कर लेना, जस्ट 99 रुपी पर मंथ ओनली, ठीक है। अब मैं मिलूंगा आपको क्लासरूम के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।